अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम दिल वाले हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलीम। हलीम की रेसिपी आप सबको दे रही हूँ जो मेरी ओन की रेसिपी है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने चावल सबसे कम क्वांटिटी में कम हमको यूज़ करना है। चावल मैंने आधा कप से भी कम लिया है। और ये है ब्रोकन व्हीट, जिसको मैंने गेहूँ, कुटा हुआ गेहूँ बोला जाता है, छिलटा निकला हुआ सारा गेहूँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने एक कप भरकर यूज़ किया है। इसके मेजरमेंट से देखा जाए तो 150 ग्राम है ये। अब ये दाल की क्वांटिटी है, ये माश की दाल है जिसको उड़द की दाल बोला जाता है। ये उड़द की दाल भी 100 ग्राम है। सब हमको बराबर यूज़ करना है। ये मसूर है, मसूर की दाल है ये, इसको भी हमको 100 ग्राम ही यूज़ करना है। सब एक हिसाब से एक कुछ कप रख लीजिए, नहीं तो हम दुकान से बोल कर लाएंगे तो वो भी दे देंगे हमको कि सब मिक्स दाल दे दीजिए। अब ये तुअर की दाल है, ये भी हमको हिसाब से यूज़ करना है, ये भी 100 ग्राम है। अब यही क्वांटिटी में हमको मूंग की दाल भी यूज़ करना है, ये भी 100 ग्राम है। अब चने की दाल को अलग से हमको भिगाकर बॉईल करना है। आप देख सकते हैं चने की दाल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, ये 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है। अब इसको मुझे अलग से भीगने डाल कर अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसको भीगने रखना है। और इसको भी अंदर भी पानी मैंने डाली नहीं हूँ, उसके लिए पहले आपको दिखा दूँगी पूरा, उसके बाद में मैं इसको भीगने रख दूँगी। अब इसको अच्छी तरीके से हम धो लेंगे। जब तक का ये पानी साफ़ नहीं हो जाता तब तक का हमको अच्छी तरीके से इसको धो लेना है। धोने के बाद अब ये चने की दाल है, चने की दाल मैंने थोड़ा सा 100 ग्राम से ज़्यादा ले लिया है। अब इसको भी अच्छी तरीके से धोकर हम भीगने रख देंगे। अब बराबर से देखिए ये टाइमिंग आकर चने की दाल का थोड़ा ज़्यादा हमको भीगने छोड़ना है। मैं आधा घंटे के बाद ही इसको गलाने रखूँगी बॉईल होने के लिए। और इसको बॉईल होने के समय भी हमको ज़्यादा सीटी देना है। अच्छी तरीके से इसका पानी निकाल दी मैंने। निकालने के बाद मैं इस कुकर में मैंने ऐड कर दी हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि ये दाल फीकापन रहता है दाल में बहुत। और थोड़ा सा नमक डालकर मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। पानी आप अपने अंदाज से ऐड कीजिए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं हमको लगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी ताकि इसका जो ये है कफ वो बाहर नहीं आए पानी। अब इसको ढक्कन लगा देंगे हम। हमको 4 सीटी लेना है। 4 सीटी के बाद में ही ये गलेगा, भीगा हुआ दाल है तो 4 सीटी में गल जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमने दूसरे दाल जो भीगने डाला हुआ है, सब दाल को भिगाने रखा हुआ था, अब वो दाल के तरफ। अब वो दाल के वास्ते हमको 1-2 हरी मिर्ची, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, इतनी चीज़ें हमको बॉईल होने के समय यूज़ करना है ताकि इसमें तमाम फ्लेवर वो दाल का इस मसाले में आ जाए, दाल फीकापन नहीं रहे। अब ये दाल को भी पानी मैंने अच्छी तरीके से छन्नी में निकाल कर पानी निकाल दी हूँ। अब ये दाल को भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें पानी ऐड करेंगे अपने अंदाज से, मेजरमेंट से, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करेंगे दाल के ऊपर थोड़ा आ जाए, दाल इसमें डूब जाए, उतना पानी ऐड करना है हमको। और थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है ताकि इसमें कलर आ जाए। अब ये बादाम और कुछ काजू है जिसको मैंने रोस्ट कर ऑयल में निकाल लिया था। अब इसको भी हमको दरदरा सा पीस लेना है। और कुछ गार्निशिंग के वास्ते मैं रख दूंगी। और कुछ ये दालों में डालकर मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। ये इस तरीके से बनाने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हलीम का। अब इसको भी हम अच्छी तरीके से डालकर पोंछकर और थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि दाल में दाग नहीं लगे। अब हम इसको सीटी ढक देंगे। ढकने के बाद इसका सीटी लगा देंगे और इसको 4 सीटी आने रख देंगे हम। 4 सीटी आने के बाद ही अच्छी तरीके से गलेगा। अब यहाँ पर हम इसको फ्लेम को आने देंगे और चलते हैं अब गरम मसाले की तरफ हलीम के। ये एक इसका सीक्रेट मसाला है। ये मसाला देखिए, शाही ज़ीरा 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 चम्मच है।
और काली मिर्ची 1.5 चम्मच है, जीरा 1.5 चम्मच है, लौंग 4-5 है, 10 इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 1 पट्टा है और 1 कबाब चीनी है और कुछ सूखे हुए गुलाब के पत्ते हैं। अब इस सबको हमको मिक्सी में मोटा मोटा सा, जैसे कि ज़्यादा मोटा नहीं, एक बारीक से ही थोड़ा पाउडर करना है, जैसे कि दरदरा नहीं रखना है, एकदम थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो चल जाएगा। अब इसको छोटे जार में हम ऐड कर सूखा सा पाउडर बना लेंगे, ड्राई एकदम सूखा। अब देखिए इस तरीके से एकदम बारीक तो मैंने नहीं की हूँ, थोड़ा सा एक ज़रा सा जैसे कि दिख रहा है आपको उस तरीके का है ये, हाथ में लगाएंगे तो नीचे आसानी से जैसे सॉल्ट गिरता है उस तरीके से ये गिरेगा हाथ से। अब चलते हैं देखिए चने की दाल की तरफ। अब चने की दाल इस तरीके से आपको गलाना है, देखिए इस तरीके से गलना चाहिए चने की दाल। अब चलते हैं हम, ये पूरे जो दालें और ब्रोकन व्हीट हमने जो भिगा दिया था इसको गलने रखा, देखिए अच्छी तरीके से ये भी पानी सोख चुका है, अच्छी तरीके से गल चुका है। अब जो ये गरम मसाले हैं, जो हरी मिर्च है, ये सबको हम निकाल देंगे। अब अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसको हम पोंछ कर अच्छी तरीके से, पानी बगैर का गला है, हमको पानी की ज़रूरत नहीं थी। देखिए दाल भी हम चने की भी उसमें ही मिक्स कर देंगे, चने की दाल को भी हमने जितना पानी डाला था उतना बराबर आ गया। और इसको चाहिए तो आप पानी ऐड करना है तो गर्म पानी ही ऐड कर इसको पतला करना, तो मैं गर्म पानी ही डालकर इसको पतला करूँगी। अच्छी तरीके से इसको पोंछ कर ऐड कर दूँगी, ये गर्म गर्म में ही जल्दी हम इसको मिक्स करेंगे पानी डालकर, तो बराबर इसका थिक लेवल पर रहेगा। देखिए ये पानी को जो मैंने बॉईल होने रख दिया था, अब अपने अंदाज से मैं इसको पानी को ऐड कर इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से हमको मिक्स करना है, हमने दोनों में नमक आज ज़रा ज़रा सा चेक कर डाला हुआ था, देखिए इस तरीके से इतना थिक तो हमको चाहिए। जिस वक्त हम घोटेंगे तो उस वक्त तो हमको पानी तो इतना रहेगा तभी वो घोटे जाएगा, बहुत ड्राई तो नहीं होएगा। अब ये मिक्स हो चुका है, अगर से पानी की क्वांटिटी हमको कम लगती है तो हम और थोड़ा ऐड करेंगे। अब एक ब्लेंडर की सहायता से हम इसको थोड़ा सा घोट लेंगे इस तरीके से, ताकि ये दाने रहें तो वो मैश हो जाए। अब चलते हैं अखनी की तरफ, उसके लिए हमने 3 बड़े प्याज को कट कर लिया है, बारीक से स्लाइस कटिंग में इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, फ्रेश अदरक लहसुन हमने 5 चम्मच भर कर है, जो मैंने आपको हलीम का मसाला बताई थी उस हलीम का मसाला है ये, 2 चम्मच भरकर गरम मसाला है, और ये 2 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1.5 चम्मच नमक है और 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है। ये 5-6 हरी मिर्ची है, इसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है, आप अपनी क्वांटिटी देखकर यूज़ कीजिए, आपके घर में तीखा कितना यूज़ करते हैं। और ये लेमन है, 3 लेमन का जूस मैंने इस तरीके से निकाल लिया है, इस तरीके से निकाल कर मैं आपको पूरा मेजरमेंट से बराबर बता दी हूँ। अब ये दही 1/2 लीटर दही है, अब इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है, जैसे क्रीम का बैटर रहता है उस तरीके से, ताकि इसमें लम्स नहीं आए। अब चलते हैं हमारे हरे धनिए के तरफ, हरा धनिया हमने 2 मुट्ठी ले लिया है, धोकर इसको बारीक से चॉप कर लिया है, और हरी मिर्ची 4-5 ले लिया है, इसको भी बारीक से चॉप कर लिया है, पुदीने के पत्ते हैं जिसको हमने धोकर इसको भी ले लिया है, ये भी 2 मुट्ठी है, और ये अदरक है जिसको हमने इसको भी लंबे साइज में कट कर लिया है। अब चलते हैं हम कुकर के तरफ, कुकर 1 ले लिया है हमने, इसमें ऑयल इस्तेमाल करना है, ऑयल अपने अंदाज से आप ऐड कीजिए, मैं इसमें 2 चम्मच भरकर सालने का ऐड कर रही हूँ, मुझे और थोड़ा कम लगा मैंने और थोड़ा ऐड की। अब ये ऑयल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, ऑयल अच्छी तरीके से गरम था तो प्याज जल्दी से कलर आ गया, प्याज में नरम हो चुका है प्याज। अब इस समय हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। आप सोचेंगे कि इतना ही प्याज हलीम के लिए बस हो जाएगा, तो नहीं, मैं और 1 किलो लेकर इसको अलग से बिरिस्ता बनाकर फ्राई कर रखी हूँ, और मैं आपको बोल दी हूँ ताकि मैं बता नहीं सकी। अब इसमें क्या हमको ऐड करना है मैं आपको गोश्त भी दिखा नहीं सकी, माफ़ करना फ्रेंड, सॉरी।
गोश्त भी मैंने भूलकर डायरेक्ट ऐड कर दी हूँ। जो मैं 11 बजे से खड़ी हूँ तो 5 बजे बना है ये। बता बता कर अगर से फ़ोन में कैमरा पकड़कर बनाएंगे तो बहुत लेट होता। ऐसे ही मैं बनाऊँगी तो 1-1.5 घंटे में बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा। तो ये बहुत आराम से आपको दिखाकर मुझे करना था, तो मैंने कुछ ध्यान में से निकल गया मेरे, मैंने ऐसे ही ऐड कर दी। ये बकरे का गोश है मटन, मैंने ये मटन को 2.5 किलो लिया हुआ है। अब इसको भी मुझे अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है मसालों के साथ, ताकि मसाले का फ्लेवर इसमें आ जाए। ये गोश ज़्यादा हो गया है, कुकर छोटा पड़ गया है तो मुझे घुमाने नहीं जम रहा था, तो मैंने मुश्किल से थोड़ा थोड़ा सा घुमाकर किस तरीके से भी आपको बताई हूँ। अब यहाँ पर हम हरी मिर्ची का जो पेस्ट आपको बताए थे वो भी ऐड कर देंगे, उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गोश्त ये अच्छी तरीके से अब मेरे हाथ से मिक्स हो रहा है, नहीं तो जैसे मैंने ऐड की तो मुझे आ रहा ही नहीं था हिलाने, इतना कुकर फुल हो गया था। अब हल्का हल्का सा हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि ये मिर्च मसाले अच्छी तरीके से लग जाए इसमें। और ऑयल की क्वांटिटी तो हमने बहुत कम यूज़ की है। अब ये सूखे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको भी धीरे धीरे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी थोड़ा सा और पकने देंगे, उसके बाद में ये गरम मसाला ऐड कर देंगे जो मैंने आपको बताया था, हलीम का मसाला। अब ये दही को भी ऐड कर देंगे। हमको ज़्यादा समय कुछ भूनना तो नहीं है इसको, सिर्फ हमको ज़्यादा गलाना है, जिससे कि हमको ये गलने गलने ही इसका मसाला पूरा गोश्त में अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब इसमें लेमन का जूस जो हमने बताया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे इस समय। और इसमें टमाटर नहीं यूज़ होता है हलीम में, कहीं भी टमाटर यूज़ नहीं होता है हलीम में। और मैंने एक खिचड़े की रेसिपी भी दी हुई हूँ पहले, बहुत पहले है खिचड़े की रेसिपी, आप YouTube में चेक कर सकते हैं, बहुत नीचे है वो। अब देखिए इस समय ये अच्छी तरीके से पक रहा है। अब इसको ऊपर नीचे कर कर अच्छी तरीके से ये बॉयल हो रहा है। अब इस समय हम थोड़ा सा पानी ऐड कर कर सॉल्ट अपने अंदाज से ऐड करेंगे। हम सॉल्ट दोनों में हमने ऐड किया था, जैसे कि ब्रोकन वीट और दाल में। और इसको हम 6 से 7 सीटी दे देंगे। सीटी इतना देना है कि हमारा गोश्त एकदम जैसे कि रेशा रेशा हो जाए। और मैंने इसको सीटी 5-6 सीटी दी हूँ, ये बकरे का गोश्त है उस वजह से बहुत जल्दी गल गया। देखिए इस तरीके से गोश्त ये जैसे कि हम चाकू से दबाए तो ये आसानी से टूट रहा है। हमको ऐसे ही गोश्त चाहिए था जो आसानी से टूट जाए, ये ज़रूरी है बहुत इस वक्त ऐसे गलना। नहीं गला तो आप और 4-5 सीटी देना इसको। अब इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है गार्निशिंग के वास्ते, ऊपर का जो तरी बोला जाता है उस तरी को। अब ये गोश्त को मैंने एक एक कर पूरे टोप में से निकाल कर इस तरीके से इसको, इसका रेशा रेशा मैंने अलग कर दी हूँ और जो हड्डी था उसको निकाल कर फेंक दी हूँ मैंने। देखिए इस तरीके से एक चम्मच और एक इसके कांटे के चम्मच से मैंने मदद से अलग अलग इसको खुला खुला जैसे खोलते हैं हम। अब ये अखनी का जो मैंने पूरा निकाल दी, उसका ऑयल जो तेल मसाला है वो मसाले में ही मैं एक टोप में ऐड कर दूँगी। अब ये टोप में ही ये जो ऑयल है इसी में मैं अखनी में ही ये गोश्त को ऐड कर दूंगी, और ये पुदीने के पत्ते भी उसी में ऐड कर दूंगी, धनिया भी उसी में ऐड कर दूंगी। अब ये जो और गोश्त बचा है उसको भी उसी तरीके से मैं ऐड कर दूंगी पूरा। और ये बिरिस्ता है जो मैंने आपको बोला था, ये 1 किलो बिरिस्ता है जो मैंने फ्राई कर इसको रखा हुआ था, एक दिन पहले ही मैंने इसको फ्राई कर रख दिया था। देखिए ये बिरिस्ता को भी मैं ऐड कर दूंगी, जितना मुझे लग रहा है ज़रूरत के ऐड करना चाहिए उतना मैं ऐड कर दूंगी। अब ये जो दाल है जो हमने उबाल कर इसको पीस कर रखा था ग्राइंड कर, अब इस दाल को भी मैं ऐड कर दूंगी। आप यहाँ पर ही नमक सब मिर्च चेक कर लेना, आप आपको क्या ज़रूरत कम लग रहा है उस टाइम आप ऐड कर देना। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको घोट लेंगे, ये गोश्त की अखनी और ये दाल दाने जो उबाले हैं उसको अच्छी तरीके से हमको जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से हमको घोटना है। इसको घोटने के बाद चलते हैं अब हम एक तड़के की तरफ।
अब यहाँ पर एक चम्मच भरकर मैंने घी ले लिया है। इस घी में हम थोड़ा सा जो जूनियर अदरक हमने स्लाइस कटिंग में कट कर लिया है, अच्छी तरीके से धुआं निकल जाएगा जब घी में, तब हम इसमें ये अदरक ऐड करेंगे। इस हरी मिर्ची ऐड करेंगे जो बारीक से चॉप करा हुआ था। ये गरम मसाला है हलीम का, वो मसाला ऐड करेंगे। इसको भी थोड़ा चम्मच से थोड़ा सा हल्का सा स्लो फ्लेम में इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद फ्लेम को हाफ़ कर उस हलीम में हम ऐड कर देंगे। अब हलीम को इतनी अच्छी तरीके से हमको घोटना है, बहुत अच्छी तरीके से, ताकि तमाम मसाले इसमें मिक्स हो जाए, इसका फीकापन बिल्कुल चले जाए, कोई बोले नहीं कि ये अलग अलग है, एक कर देना है हमको घोट घोट कर। देखिए इस तरीके से जब हम उठाए तो इस तरीके से ये एकदम जैसे गिरे नहीं, थिक रहे, इस तरीके से हमको चाहिए, रेशा रेशा उसका। जब हम इस तरीके से निकालेंगे तभी हलीम हमारा इस तरीके का बनेगा। चलिए बन चुका है हलीम, अब हम आपको डिश आउट कर बताते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह मेरी रेसिपी यहाँ तक का लेके आ गए, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया। अब यहाँ पर गरम गरम हलीम हम सर्व कर आपको बता रहे हैं। ज़रूर से आप सब्सक्राइबर करना, लाइक करना, शेयर करना, और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से आपके शेयर करना, और आप मुझे ज़रूर से कमेंट कर बोलना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी मेहनत बहुत इसमें लगी है। देखिए थोड़ा सा हम इसमें जूनियर अदरक जो हमने काट कर रखा था वो भी ऐड करेंगे, कुछ पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, कुछ कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम जो बिरिस्ता है वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई कर रखा हुआ था अब वो ऐड कर देंगे। अब जो ऑयल मैंने उठा कर रखा था जो उसके ऊपर तरी था गोश्त के ऊपर, वो तरी को मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब हमारी प्लेटिंग ख़त्म हो चुकी है, और ये शरबत जो मैंने रखा हुआ है, वो शरबत की रेसिपी इंस्टाग्राम में मौजूद है, इसकी रेसिपी शरबत की, आप ज़रूर से देखना और मुझे कमेंट में बोलना मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी मेहनत थोड़ी भी आपको दिखती है तो आप ज़रूर से देखकर मुझे कमेंट में बोलना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर लौट कर आऊँगी कोई नई रेसिपी के साथ।